एक व्यक्ति अपने गांव में रात के समय टहलने जाता है। सच्ची घटना है। अंधेरा काफी ज्यादा था, वहां पर नेवले बहुत घूम रहे थे। उसे डर था कि कहीं इस अंधेरे में कोई नेवला आकर उसे काट न ले। कुछ देर के बाद एक नेवले ने पीछे से आकर उस व्यक्ति को डस लिया। वह व्यक्ति तुरंत पीछे घूमता है और देखता है कि नेवला गायब। दरअसल नेवला तुरंत निकल चुका था, लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि नेवला इसके शरीर के अंदर घुस चुका है। उस व्यक्ति को पूरी रात नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो सरदर्द करने लगा, तो उसे लगा नेवला दिमाग में घुस चुका है। फिर ठीक से खाना भी नहीं खाया, यह सोचकर कि नेवला अभी भी शरीर में है, तो पेट दर्द करने लगा। उसे लगा अब नेवला पेट के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है। अनेक लोगों को अपनी परेशानी बताई, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं। कई लोगों ने मजाक उड़ाया तो कईयों ने इस व्यक्ति की बात सुनकर इसको भला बुरा कहने लगे। अब यह व्यक्ति अंदर से टूट चुका था। अंतिम विकल्प वैद्य या हकीम का था। कई वैद्यों के पास गया, परंतु परिणाम शून्य। उसके मित्र के कहने से उस देश के एक प्रसिद्ध वैद्य के पास वह अंततः गया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। वैद्य बहुत होशियार थे, इसलिए उसकी कहानी समझ गए। अब वैद्य ने उस व्यक्ति से कहा कि जहां पर तुम्हारे साथ ये घटना घटी, मुझे ले चलो। दोनों उसी स्थान पर गए। वैद्य ने उस व्यक्ति को आंखें बंद करने को कहा और पीछे से एक हाथ से उस व्यक्ति की चमड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से उस व्यक्ति के पीछे एक नेवला लेकर वह वैद्य खड़ा हो गया। चमड़ी छोड़ी तो उसे आराम मिला, और आंखें खोलकर उसने देखा तो वैद्य के हाथ में नेवला देखकर उसे लगा कि वैद्य ने नेवला बाहर निकाल दिया। व्यक्ति खुश हो गया। ये कहानी जैन धर्म के आवश्यक निरुक्ति नामक आगम से ली गई है। आपको एक और कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति के घर के बाहर बहुत बड़ी मात्रा में घास उग गई और एक दिन अचानक उस घास में से एक सांप बाहर निकला। वह व्यक्ति देखकर डर गया और कुछ दिन बाद वही घास की साफ सफाई करते वक्त जब उसने अपना हाथ उस घास में डाला तो उस बिल के अंदर रहे हुए एक चूहे ने उस व्यक्ति को काट लिया, पर उसे लगा कि सांप ने काट दिया। वो व्यक्ति उसी वक्त मर गया, ये सोचकर कि सांप ने काट लिया इसीलिए मौत निश्चित है। दोस्तों, ये कहानी जैन धर्म के ज्ञाता धर्मकथा नामक आगम से ली गई है। दोस्तों, ये काल्पनिक नेवला जो शरीर के अंदर घुस गया था और एक काल्पनिक सांप जिसने काट लिया था, ये और कोई नहीं बल्कि आज का डिप्रेशन है। डिप्रेशन, आसान भाषा में कहे तो डिप्रेशन एक भूत की तरह है। जो व्यक्ति इसको अनुभव करता है वही इसको समझता है, और आसपास के अन्य लोग इसे या तो मानेंगे नहीं या फिर हो सकता है उसका मजाक भी उड़ा ले। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 26 करोड़ यानी कि लगभग 2.5% जनसंख्या से भी ज्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और यह बीमारी इतनी खतरनाक है कि उस व्यक्ति को सुसाइड तक के ख्याल आ जाते हैं, और अनेक केसेस में लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि ये डिप्रेशन आखिर है क्या, और फिर देखेंगे कि इस स्थिति से कैसे निकला जाए। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लगता और रोजाना की जिंदगी दुख भरी लगती है। रात में नींद नहीं आती, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ जाता है। नींद पूरी न होने के कारण शारीरिक क्षमता भी कम होती जाती है। मूड स्विंग यानी कि अचानक खुशी महसूस होगी, अचानक दुख लगेगा। इस डिप्रेशन को कैसे पहचाना जाए? यदि व्यक्ति बहुत रोता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है, देर रात तक जगता है, अकेलापन उसे लगता है, शारीरिक रूप से कमजोर होता जाता है, सुसाइड के ख्याल आदि, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसे दबाया जा रहा है, उस व्यक्ति को सबसे नफरत होने लगती है, उस व्यक्ति के मन में काल्पनिक घटनाएं घटती है, मनगढ़ंत कल्पनाएं उत्पन्न होगी, उसे लगेगा कि उसका भविष्य अंधकार में है, किसी का मजाक भी बहुत बुरा लगेगा, अचानक रोना आएगा, अचानक सब कुछ नॉर्मल होगा और मन में अनेक वहम जन्म लेंगे और लगेगा कि बस इस दुनिया में अब कुछ नहीं रखा है, और अंत में सुसाइड तक की फीलिंग आ जाती है। इस डिप्रेशन से बचने के लिए विज्ञान के अनुसार कुछ रास्ते हैं, जैसे काउंसलिंग, दवाई देकर आदि। ये डिप्रेशन अब भारत में बहुत बड़ी मात्रा में फैलता जा रहा है। अब दिक्कत यह है कि इस डिप्रेशन का कोई स्वरूप नहीं है, यह एक तरह की मानसिक स्थिति है, इसीलिए कई लोग इसे पहचानने मानने को तैयार ही नहीं होते, जिसके कारण दिक्कतें और बढ़ जाती है। दोस्तों, एक स्टडी के अनुसार 20% बच्चे स्कूल के दिनों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यह भी एक तरह का डिप्रेशन है जो शिशु को जन्म देने के बाद माँ को होता है, और इसका आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। 1000 में से 100 से 150 गर्भवती महिलाएं शिशु को जन्म देने के बाद इस डिप्रेशन का शिकार होती है। कई केसेस में 6 महीने में नॉर्मल हो जाता है,
कई केसेस में सालों तक नहीं हो पाता। विज्ञान के अनुसार जो इलाज है वो तो है ही, लेकिन जैन धर्म के ग्रंथों में इन कहानियों का उल्लेख होना अर्थात ये कोई नई चीज़ नहीं है। यह डिप्रेशन एक तरह से मन का वहम है जिसे व्यक्ति पालते जाता है, और इससे बचने का रास्ता धर्म बताता है कि आपको अपने आप से लड़ना होगा। मन को अपना मालिक न बनाते हुए आपको मन को अपना नौकर बनाना होगा। मन गलत सोचे तो सच्चाई क्या है जानना, मन गलत आरोप लगाए तो मन को समझाना कि गलत कर रहा है, मन यदि क्रोध करना चाहे तो मन को कंट्रोल करना। कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। ये भी कहते हैं कि हम वैसे बनते हैं जैसे हमें सिखाया जाता है, और ये भी कहते हैं कि हम वैसे बनते हैं जैसे हमारा पालन पोषण किया जाता है। इन सबसे ऊपर भी एक और फैक्ट है, वो ये है कि हमारी दुनिया वैसी बनती है जैसे हम विचार करते हैं। हमारी दुनिया बनती है हमारे ही सोच से। प्रभु महावीर स्वामी ने अपने कर्मों से लड़ाई की और कर्मों को तोड़कर मोक्ष की प्राप्ति की। उसी तरह इस डिप्रेशन से लड़ने के लिए, डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने मन से लड़ना होगा। प्रभु महावीर ने उत्तरादयन आगम में कहा है कि 10 लाख लोगों से लड़ने वाला महान नहीं, महान वो है जो खुद से लड़े। इसीलिए इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने ही मन से लड़ना होगा। इसके लिए हम आपको 2 पुस्तकें रेकमेंड करते हैं, द सीक्रेट एंड जेलर। कहते हैं कि ये पुस्तकें पढ़कर कई लोग डिप्रेशन से बाहर आए। ये पुस्तकें आपको अमेजोन जैसी ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल सकती है। यदि आपके पास इस विषय को लेकर और कोई जानकारी हो या ऐसी कोई घटना हो तो कमेंट कीजिए और हमें भी बताइए। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, Facebook पर पेज लाइक कर सकते हैं और Instagram पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।